हलका पिहोवा के निजी स्कूल द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना करके बच्चों की क्लासें लेने का मामला सामने आया है। और एक और जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेजों व धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं में होने वाले हर प्रोग्राम को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं, उसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा भी स्कूलों को बंद करने के आदेश हैं। लेकिन हलका पिहोवा के गांव सिंधौली स्थित संत थॉमस कॉन्वेंट स्कूल संचालक इन आदेशों को दरकिनार करते हुए बच्चों की क्लासें ले रहे हैं। प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है और किसी प्रकार की अनदेखी न करके व्यापक स्तर पर बचाव करने में लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर चैत्र चौदस मेले को भी रद्द कर दिया गया है, लेकिन निजी स्कूल संचालक शायद जानबूझकर महामारी को न्योता देने की जिद पर हैं। सरकारी आदेशों अनुसार सिर्फ बच्चों के एग्जाम लिए जा सकते हैं और उसके लिए भी एहतियात के तौर पर एडवाइजरी जारी की हुई है। जब इस मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल माइकल कॉलिंस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुबह 9 से 11:30 बजे तक एग्जाम होता है, उसके बाद बच्चे खाना खाते हैं। बेटा कौन सी क्लास के हो, क्या कर रहे हो? हाँ जी, जियोग्राफी। कितने बजे तक स्कूल लगता है? 2:30 तक डेली लगता है। Yes. कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं? हाँ जी, 9th और ओके जी, थैंक यू। माइकल जी, ये बताइए जो क्लासेस लगा रखी हैं आपने, ये सरकार ने बंद की हुई कि क्लासेस आप नहीं लगा सकते, और क्या कारण रहा कि आपने क्लासेस लगाई? और दूसरा, सरकार ने बकायदा हिदायतें दी है कि इनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आपके पास ऑन रिकॉर्ड होगा, क्या कहेंगे इस बारे? हम इन बच्चों का रेगुलर क्लास नहीं चला रहे हैं। सैटरडे तक जो इन बच्चों का पेपर चल रहा है, वो पेपर सैटरडे ख़त्म होगा, सिर्फ पेपर के लिए बुला रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर का है उसका जो डाउट वगैरह है क्लियर कर रहे हैं, और 2 घंटे बच्चों को हम धूप में रखे क्लासेस ले रहे हैं। ये नहीं है कि अंदर करके, खाना खाते समय भी बच्चे लोग डिस्टेंस रख के, और इन लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हमारे पास सारा सुविधा भी है, सारा लेके रखा हुआ है, बच्चों को भी मैं देता हूँ, ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं कर रहे हैं, रेगुलर क्लास यहाँ नहीं है। लेकिन सरकार ने बकायदा कह दिया कि अब तो टीचरों के लिए बोल दिया कि टीचर भी नहीं आएंगे, अब तो टीचर भी अपने घर रहें, वहीं से सिस्टम करें, क्योंकि 31 मार्च तक का तो टाइम दिया हुआ है। अब आपका नया नोटिस आपके पास आ गया होगा? नहीं, हमको नहीं मिला। अगर टीचर्स भी नहीं आना है तो हम टीचर्स को भी नहीं आने देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं है, पेपर, सिर्फ पेपर एग्जाम तो वो सैटरडे खत्म हो रहा है, सारा सुविधा है हमारे पास। टाइम है कितने से कितने बजे? 9 से 11:30, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर थोड़ी समय के लिए बच्चे पूछते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं वो लोग पूछते हैं टीचर से कि क्या क्या है अगले पेपर का, जो डाउट वगैरह है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, बस यही है। तो आप रेगुलर ऐसे ही चलेगा या कल से भी? मतलब सर, सैटरडे तक लास्ट पेपर है, तो आप डेली ऐसे क्लासेस जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे ही उसके बाद समझाएंगे, क्लासेस लगाएंगे? क्लासेस नहीं लगा रहे सर, मैं कितने बार बोल रहा हूँ, क्लासेस नहीं है। तो कितने बजे खाली कर दोगे बच्चों को, कितने से कितने बजे? बस अभी फ्री जाएंगे, ड्राइवर को बुला के भेजेंगे।